हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे होंडा एसपी 125 2.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, होंडा ने जो है अपनी एसपी 125 का नया मॉडल अभी तक लॉन्च नहीं किया, लेकिन अभी जो है स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के आ रहे हैं कि ये जो बाइक है जल्दी लॉन्च हो जाएगी और इसमें जो है नए फीचर क्या कुछ मिलेंगे, क्या कुछ कंपनी ने बदलाव किया है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि फ्यूचर में बाइक और कार से जुड़ा हुआ कोई भी जो अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके लुक को डिजाइन पे। तो लुक को डिजाइन आप लोग देख सकते हो, जो नोवा 125 आ रही थी अब वाली, वो जो है उसका सिमिलर जो डिजाइन है वो होंडा एसपी 125 2.0 में हमें देखने को मिलेगा। और मैं सीधा सिंपल वर्ड में कहूँ तो यहाँ पे जो पैनल वगैरह है वो भी आपको जो थोड़ी हैवी देखने को मिलेंगे, लाइक जस्ट स्पोर्ट बाइक की तरह, जैसा रेडर में हमें देखने को मिल रहा है। तो होंडा जो है, जैसे ही रेडर लॉन्च हुआ तो होंडा ने अभी तक जो है एसपी का नया मॉडल लॉन्च नहीं किया, 2022 वाला भी 2023 वाला भी, तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो स्पोर्ट बाइक की तरह इसको बना रहा है, और जैसा कि आप लोग फोटोज में देखा था, आप लोगों ने वैसा जो है वीडियो में देखा था, वैसा ही जो डिजाइन है पैनल वगैरह स्पोर्टी लुक में हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो सीबी ट्विस्टर 125 है, 110 है, वो आ रही थी पहले, उसके जैसा डिजाइन भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा इसको जो है अग्रेसिव और थोड़ा बल्कि लुक जो है वो कंपनी वापस देगी। अब एक और लीक निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें यह बताया जा रहा है कि होंडा सीबी ट्विस्टर 2.0 भी लॉन्च होगा, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला मॉडल था और जीरो मेंटेनेंस के साथ आता था। तो उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, बाकी अभी बात करते हैं एसपी 125 के बारे में। तो एसपी 125 2.0 में हमें जो है चेंजेस क्या कुछ देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो डिज़ाइन में चेंज देखने को मिलेगा, और दूसरा जो चेंज है वो मीटर कंसोल में देखने को मिलेगा। तीसरे चेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर ड्यूल डिस्क का ऑप्शन अब हमें इस बाइक में देखने को मिलेगा, और पहले ही 125 सीसी में जो है सिंगल डिस्क आ रहा था और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है होंडा एसपी का, लेकिन यहाँ पर जो है अब और बेहतरीन इसका जो इंजन है और इंजन रिफाइनमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। हालांकि रेडर भी है, काफ़ी अच्छी बाइक है, स्पोर्टी लुक है, लेकिन जो है भरोसा ज़्यादा होंडा एसपी 125 पे है लोगों का। इंजन की बात करें तो दोस्तों, इसमें हमें वही 124.7 सीसी का टू वॉल सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, लेकिन पावर जो है वो 11 bhp का, और जो टॉर्क है वो 10.6 न्यूटन मीटर के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और माइलेज अभी भी इसमें 65 टू 70 का मिल रहा है, लेकिन जब ये बाइक नई वाली लॉन्च होगी तो उसमें माइलेज थोड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो लीक्स है दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग ये जो बाइक है जल्दी लॉन्च हो जाएगी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था स्क्रीनशॉट, आप लोगों ने पहले देखा होगा। तो अभी बात करते हैं इसके और फीचर की। तो यहाँ पे मीटर कंसोल जो है वो भी आपको कम्प्लीटली चेंज देखने को मिलेगा एसपी 125 2.0 में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो है अभी भी होंडा एसपी 125 की सबसे जेन्युइन प्राइस है, 1,03,000 ऑन रोड इसकी जो प्राइस है वो है, और जब ये नया वाला मॉडल लॉन्च होगा तो उसकी भी 1,03,000-1,05,000 के आसपास इसकी जो प्राइसिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है। बाकी आपके पास होंडा एसपी है या नहीं है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। और टायर जो है रेयर टायर को थोड़ा ये जो है मोटा कर देंगे, 110 mm का रेयर टायर जो हमें आप देखने को मिलेगा होंडा एसपी 125 2.0 में, और फ्रंट में वही 100.90 mm का टायर हमें देखने को मिलेगा। अब टायर जो अभी आ रही है होंडा एसपी, उसमें 90x90 का है, जो कि थोड़ा थिन है यार, और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कर्व वगैरह आता है, हाईवे पे घुमाई वगैरह आती है, तो उसमें थोड़ा डर लगता है यार कि कहीं स्लिप ना हो जाए। तो मोटा टायर होगा तो उससे ये जो डर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, और स्टेबिलिटी और स्मूथनेस बाइक की जो है और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे यही था इसके बारे में, जो छोटा सा वीडियो था, एक छोटी सी जानकारी अपडेट था होंडा एसपी 125 2.0 के बारे में। और अगर आपको इस बाइक से बारे में लेके कोई सवाल है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, वहाँ पे जवाब ना दे पाऊँ तो आप लोग जो है मुझे मेरी इंस्टा आई डी पे DM कर सकते हो। और दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।